चार हो। चाहे कयामत की रात हो या आंधियों की बौछार हो, क्या बात है? फिर भी तेरे हौसले को छू नहीं पाएगी। वाह, दरिया बनाने वाला यस्सु वो तुझ में रहता है। लहरें तो आएगी मगर कदम चूम कर चली जाएगी, कदम चूम कर चली जाएगी। अब जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनके लिए बोलना चाहूंगा, यू हार ना मान ए दोस्त, अब तेरी जिंदगानी बाकी है। यू हार ना मान ए दोस्त, अब तेरी जिंदगानी बाकी है। किनारे पे थोड़ा ही सही पर गौर से देख, पानी अभी बाकी है। पत्रस, यहोन्ना, दाऊद ये सब तो चले गए प्रभु के पास। पत्रस, यहोन्ना, दाऊद ये सब तो चले गए, मसीह में तेरी और मेरी कहानी अभी बाकी है। हालेलुया। ऐसा सोचो कि हम स्वर्ग में खड़े और अपनी मजार को देख रहे, हमारी कब्र को देख रहे, उस वक्त हम क्या सोचेंगे इसके बारे में शायरी। मैं रुखसत हो रहा था, इस जमाने से मुझे विदा करने वाले चार थे। मैं रुखसत हो रहा था, इस जमाने से मुझे विदा करने वाले चार थे। कम भी मेरे अकेले का था पर आंसू बहाने वाले हजार थे। मैंने देखा जन्नत से जमीन पर मेरी मजार पर माजरा क्या है। हर कोई मातम मना रहे थे मगर हम तो यीशु के संग जन्नत में खुशियां मनाएं। सदियों से चली आ रही थी एक रीत पुरानी, अपने मांगे महल और मोहब्बत मांगे कुर्बानी। फिर एक ऐसा सदी आया कि कुंवारी स्त्री ने पुत्र जना, जो अपनों पे मेहरबान और मोहब्बत पे कुर्बान हुआ। वो सबके लिए कदरदान हुआ और पूरे जहां के लिए मेहरबान हुआ। वो बहरों के लिए कान और गुंगों के लिए जुबान हुआ। उसके बाद न लिखी और न लिखी जाएगी ऐसी कहानी, वो नाम है यीशु और मोहब्बत की उसकी निशानी। सुबह मेरी नम है, लफ्ज मेरे गुमशुदा है। सुबह मेरी नम है, लफ्ज मेरे गुमशुदा है। मैं तो केवल होठ हिलाता हूँ, बोलता मेरा खुदा है। हमारा आज का लास्ट दिन है यहाँ का, तो मैं एक शायरी करना चाहूंगा। जाते जाते खुदा के नाम में ये पैगाम देता हूँ, जाते जाते खुदा के नाम में ये पैगाम देता हूँ, इस जगह से जाने के बाद घर मर भी जाऊं, जन्नत में मिलूंगा ये जुबान देता हूँ।